हेलो दोस्तों, गैजेट एंड टेक टॉयज चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूडो किंग के बारे में। इस वीडियो में तो हम सिर्फ आपको ये बताएंगे कि लूडो किंग में आप अपनी खुद की ओरिजिनल फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी और वीडियोस भी लूडो किंग के बारे में बनाएंगे, जिससे कि आपको हैक्स बताएंगे, जिनमें कि आपको लूडो किंग के और ट्रिक्स बताएंगे, जैसी बहुत सी चीज़ें आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आपको लूडो बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं लूडो किंग के अंदर। जैसा कि आपको इस समय दिख रहा है कि डेली बोनस मुझे मिला है 600 क्वाइन, वैसे इसमें हर रोज़ मिलता रहता है। तो आज मेरा तीसरा दिन है और मेरे क्वाइंस लगभग हो गए हैं 12,900 के आसपास, जबकि मैंने काफ़ी कम खेला है। फिर भी एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि जितने खेले हैं उसमें से लगभग 85% गेम्स जीते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चले इसके बारे में आपको भी कुछ जानकारी दे दें। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लूडो किंग के अंदर अपनी फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, या फिर उसकी जगह कोई और फ़ोटो कैसे लगा सकते हैं, अपना नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ढेर सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, इसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि या तो इसमें आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं या फिर आप कोई कार्टून यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको करना होगा कि सबसे ऊपर यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख रखा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। वैसे जब ब्लैंक रहता है तो गेस्ट लिखा रहता है और ये ब्लैंक रहता है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर जहाँ पे मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अब जाकर अपना नाम लिख सकते हैं। नाम के साथ आप कोई डिजिट भी ज़रूर जोड़ते हैं, तभी ये ऐड होगा, क्योंकि जैसे कि ये होता है कि उसी नाम के बहुत से लोग पहले से होते हैं, तो पहले रजिस्टर कर चुके होते हैं, तो वो यूज़र नेम पहले से ही यूज़ किया जा चुका है। तो इसलिए आप जब भी कोई नाम लिखें, जैसे मैंने यहाँ पे अभय77 लिखा है, नाम के आगे आप कोई डिजिट लगा देंगे तो उससे कि आपका यूज़र नेम सेव हो जाएगा यहाँ पर, वरना आप वैसे अगर डायरेक्ट करेंगे, कोई भी डिजिट नहीं लगाएंगे, तो वो सेव नहीं होता है, गेस्ट का गेस्ट ही लिखा रहता है। और अगर आपको फ़ोटो चेंज करनी है तो फ़ोटो पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सेलेक्ट प्रोफाइल पिक्चर में ढेर सारे कार्टून्स शो हो रहे हैं, तो इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं अपनी मनपसंद का। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आप खुद की फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें। तो दोस्तों, उसके लिए आपको फेसबुक से लॉगिन करना होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ रियल फ़ोटो विद फेसबुक। तो अगर आपको अपनी खुद की रियल फ़ोटो अगर इस पर लगानी है तो आपको फेसबुक के साथ लॉगिन करना ही करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए यहाँ लॉगिन विद फेसबुक पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखने लगा है लॉग इन विद फेसबुक, लूडो किंग विल रिसीव योर नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर एंड फ्रेंड्स लिस्ट। तो इसमें काफ़ी कुछ आपका लेगा कि जैसे कि आपका नाम, आपकी प्रोफाइल पिक्चर, उसके साथ ही साथ फ्रेंड लिस्ट भी लूडो किंग को परमिशन मिल जाएगी, वो आपकी फ्रेंड लिस्ट को भी देख सकता है, जिससे कि वो अपने ऐप का प्रमोशन कर सके। और साथ ही साथ जैसे कि गेम में आप अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं ये गेम खेलने के लिए, ताकि आप ऑनलाइन यहाँ से किसी दूसरे शहर में भी आपका दोस्त है तो वहाँ भी आप खेल सकते हैं। तो इसलिए ये फ्रेंड लिस्ट का भी ऑप्शन होता है। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यूस एज अभय पे क्लिक कर देते हैं। तो ये दोस्तों लॉगिन हो गया है और यहाँ पर अब मेरी फ़ोटो आ गई है। पहले जहाँ पर कार्टून था वहाँ पर अब ये फ़ोटो आ गई है, लेकिन इससे ये दिक्कत हो गई कि मैंने जो 12,000 क्वाइंस कलेक्ट किए थे थोड़ी मेहनत करके, वो क्वाइंस सारे फिर से ज़ीरो पे पहुँच गए। ज़ीरो मीन्स जो स्टार्ट गेम पहली बार करने पे जो होते हैं 5,250, और ये क्लेम रिवार्ड पे करने पे 5,500। तो यानी मुझे 5,500 से फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो थोड़ी गड़बड़ हो गई कि चलो मैंने एज अ गेस्ट 3 दिन में कुछ क्वाइंस इकट्ठा किए थे, वो सारे क्वाइंस तो चले गए, लेकिन एटलीस्ट अब मेरी इस पर रियल फ़ोटो लग चुकी है और अब मैं अपने किसी फेसबुक फ्रेंड को भी इस पर इनवाइट कर सकता हूँ खेलने के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इस बारे में थी कि आपको लूडो किंग में कैसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपडेट करनी है, कैसे नाम अपडेट करना है, वो तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिए। अगर आपको लूडो किंग के बारे में और जानकारी चाहिए दोस्तों, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी मैं इसके बारे में आपको बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताऊंगा, जिससे कि आप लूडो किंग में कभी भी नहीं हार सकते हैं। वैसे हैक्स और ट्रिक्स कम से कम यूज़ किया जाए
गेम्स में तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो आप वो सब चीज़ें अपना सकते हैं, वो मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके लिए आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ये वीडियो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा।